हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल समीर में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए दो ऐसे फ़ोन लेकर हैं जिनके कंपैरिजन से आप जानेंगे कि कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट होगा। जो फर्स्ट मोबाइल की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वो रियलमी एक्स थ्री है, और सेकंड जो है हमारे पास वो है ओप्पो रेनो 4 प्रो। तो दोस्तों, आज हम इससे जुड़ी डिटेल्स, फुल रिव्यू, स्पेसिफिकेशन और कौन कौन से इनके फीचर्स और इनके प्राइस से रिलेटेड आपसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन दोनों की डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमें रियलमी एक्स थ्री डिस्प्ले दे रहा है वो है सुपर एमोल्ड 6.6 इंच की पंच होल डिस्प्ले आपको इसमें मिलेगी, और ओप्पो रेनो 4 की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर आपको सुपर एमोल्ड 6.55 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। रेजोल्यूशन दोनों के सेम है दोस्तों, 1080 पिक्सल क्वालिटी दोनों ही दे रहा है। और आगे चलते बात करते हैं इनके रिफ्रेश रेट की, तो 120 हर्ट्स और ओप्पो रेनो 4 में आपको 90 हर्ट्स रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इसी में आगे चलते हैं, जानते हैं इनके फ्रंट कैमरे के बारे में। दोस्तों, यहाँ रियलमी एक्स थ्री डुअल कैमरा दे रहा है जिसमें मेन कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का, इसी के साथ 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाता है। और सेकंड जो ओप्पो रेनो 4 की बात करें तो यहाँ पर आपको सिंगल कैमरा ही देखने को मिलेगा जिसका मेन कैमरा आपको 32 मेगापिक्सल का है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं और इनके बारे में जानते हैं कि बैक कैमरा कैसा क्या है। तो दोनों के बैक कैमरे में काफी डिफरेंस है दोस्तों, सेटअप दोनों का सेम है लेकिन यहां पर आपको रियलमी एक्स थ्री में क्वाड कोर का रेयर कैमरे देखने को मिलेगा जिसका मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस कैमरा। ओप्पो रेनो 4 के प्रो के बात करें तो दोस्तों, यहां पर आपको ट्रिपल रेयर कैमरे देखने को मिल जाते हैं जिसका मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का, 12 मेगापिक्सल का लो लाइट वीडियो कैमरा और 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल देखो तो कैमरे में काफ़ी डिफरेंस है दोनों की पिक्चर क्वालिटी भी काफ़ी डिफरेंस आएगी दोस्तों। इसी के साथ में आगे चलते हैं, हम जानते हैं दोनों के परफॉर्मेंस के बारे में। तो कैसे क्या परफॉर्मेंस दोनों के है दोस्तों, रियलमी एक्स थ्री के परफॉर्मेंस के बारे में हम जाने तो दोस्तों, यह ऑपरेटिंग सिस्टम जो दे रखा है वो एंड्रॉयड V10 का दे रखा है, चिपसेट सिस्टम कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 855+ के साथ दे रखा है, और प्रोसेसर ऑक्टाकोर है, आर्किटेक्चर 64-bit का इसमें दे रखा है। ओप्पो रेनो 4 प्रो की बात करें तो यहाँ पर भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 10 मिलेगा, चिपसेट सिस्टम स्नैपड्रैगन 765G के साथ देखने को मिल जाता है, प्रोसेसर ऑक्टाकोर इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। बैटरी की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर बैटरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिला है। यहाँ पर 4200 mAh की लियोन की बैटरी आपको 30W के सुपर वॉक 4.0 चार्जर के साथ देखने को मिल जाती है दोस्तों। और ओप्पो रेनो 4 प्रो की बात करें तो यहाँ 4000 mAh बैटरी, 65 सुपर वॉक 2.0 फास्ट चार्जर के साथ आपको इसमें देखने को मिलेगी दोस्तों। इसी में आगे चलते जानते हैं इनके स्टोरेज के बारे में दोस्तों। तो स्टोरेज में यहाँ हमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला है, 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज आपको रियलमी एक्स थ्री में देखने को मिलेगा, और 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज आपको ओप्पो रेनो 4 प्रो में देखने को मिल जाएगी दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात करें इन दोनों की प्राइस, तो प्राइस में कितना क्या डिफरेंस है दोस्तों, तो यहाँ जानते हैं हमारे पास रियलमी एक्स थ्री की जो प्राइस निकल के आई है वो 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आपकी इसकी प्राइस होगी 16,999। इसी में अगर हम बात करें दोस्तों ओप्पो रेनो 4 प्रो के बारे में तो यहाँ 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ इसकी प्राइस हमें देखने को मिलेगी 40,490। तो दोस्तों, यहाँ इनकी प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है, और देखा जाए ओवरऑल तो यहाँ आपको रियलमी ज़्यादा अच्छे फीचर्स के साथ आपको मोबाइल दे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हम जाने इनके कंपैरिजन, इनके स्पेसिफिकेशन और जो फीचर्स हमने अभी देखे हैं इनके, तो यहाँ रियलमी ज़्यादा बेहतरीन और कम बजट में आपको अच्छे फीचर्स वाला मोबाइल दे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही टेक्निकल वीडियो और मोबाइल से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।